हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सूर्यवंशी ट्यूटोरियल्स द लर्निंग जंक्शन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि हम एआई की मदद से किस तरीके से अपनी इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम के ऊपर। आपको अपना गूगल क्रोम इस तरीके से यहाँ पर ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर। आप देख सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर आपको आ जाना है microsoftdesigner.com। ठीक है, पर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो designer.microsoft.com ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर सिंपली आ जाना है। दोस्तों आप देख सकते हैं, दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है उसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको डिस्क्राइब द डिजाइन यूड लाइक टू क्रिएट। तो यानी कि जो भी आपको डिजाइन क्रिएट करना है उसको यहाँ पर आपको सिंपली डिस्क्राइब करना है और जो उसका डिजाइन होगा दोस्तों वो यहाँ पर आपको क्रिएट होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं ट्राई अ प्रॉम्प्ट भी यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से आप सिंपली क्लिक करके इसको भी आप डिजाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है और यहाँ पर आपका जो डिजाइन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों ये हमें सजेशन भी दे रहा है, जैसे कि एन इंस्टाग्राम पोस्ट अबाउट माय कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च ऑन April 1st। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको एक एग्जाम्पल दे रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं और यहाँ पे उसी का डिजाइन जो होगा आपका यहाँ पर क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, ये किस तरीके से इसको डिजाइन करेगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ डिजाइन यहाँ पर जनरेट होके हमारे सामने आ चुके हैं। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। और यहाँ पे सिंपली आपको क्या कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ से इसको किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा कस्टमाइज डिजाइन का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको सिंपली कस्टमाइज डिजाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और कस्टमाइज करेंगे। अभी हम यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माय यूट्यूब चैनल जैसे कि मैंने डाला, अभी हम यहाँ पर कुछ और डाल के देख लेते हैं। मैं मोटिवेशनल कोट्स यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ मोटिवेशनल कोट्स डालने के बाद में क्या आता है। दोस्तों ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा मोटिवेशन कोर्स एंड यहाँ पर सिंपली एंटर किया, जनरेट पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों डिजाइन क्या डिजाइन हमें यहाँ पर आने वाला है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पर मोटिवेशन कोर्स डाला और यहाँ पर सिंपली डिजाइन के ऊपर क्लिक किया एंड देन यहाँ पर हमारे पास में कुछ डिजाइन जो है यहाँ पर आ चुके हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप इस तरीके से कुछ डिजाइन है यहाँ पर हमारे सामने आ चुके हैं। जो भी आपको यहाँ पे पसंद आता है वो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली ये कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप कोई भी फेस्टिव वगैरह भी लिख सकते हैं, मान लीजिए जैसे कि मैं लिख लेता हूँ होली लिख लेते, चलिए होली पर मैंने जनरेट किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जनरेट कर रहा है इसको। ठीक है, यहाँ पे हमारे डिजाइन जनरेट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे कुछ इमेजेस हमारे सामने आ चुकी हैं होली की, होली से रिलेटेड हमारे सामने कुछ इस तरीके से ये इमेजेस कुछ डिजाइन जो यहाँ पर आ चुके हैं। तो हम इसको सिंपली यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं और फोटेज वगैरह भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अभी मान लीजिए इसके जगह पर हम और कुछ लिख लेते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोबाइल फोन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल। तो आप देखते हैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ मैं इसको और जनरेट करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके से इमेजेस आ जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने मोबाइल लिखा और यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर जो हमारी इमेजेस है वो यहाँ पर सिंपली जनरेट होकर के आई हैं। कुछ डिजाइंस हैं यहाँ पर, हम सिंपली इनको यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मोबाइल रेवोल्यूशन, मोबाइल रेवोल्यूशन, मोबाइल रेवोल्यूशन, इतने सारे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हमको आ चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर और भी कुछ लिख सकते हैं, रेवोल्यूशन से मुझे याद आया यहाँ पर कुछ और भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सस्टेनेबल देख लेते हैं, सस्टेनेबल मीटिंग डाल लेता हूँ, सस्टेनेबल देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर लिखा सस्टेनेबल मीटिंग। तो यहाँ पर मैं इसको सिंपली जनरेट करता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर देखते हैं हम यहाँ पर क्या डिजाइन हमें क्रिएट होकर के यहाँ पर आ जाता है हमारे सामने। और हम देख सकते हैं दोस्तों हमारे सामने जो डिजाइन है वो यहाँ पर सिंपली जनरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से
यहाँ पर हमारे सामने आ चुके हैं, सस्टेनेबल मीटिंग, सस्टेनेबल मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे हमने सिर्फ एक ये वर्ड डाला। अब देखते हैं यहाँ पर हमने कुछ ये सिर्फ वर्ड डाले और यहाँ पर हमारे सामने डिजाइन यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। इस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर काफी डिजाइन हमारे सामने आ जाते हैं, इसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, काफी कुछ अच्छे अच्छे डिजाइन है यहाँ पर, ठीक है। तो इनको हम सिंपली यहाँ पर यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम जो अपने डिजाइन है वो यहाँ पर सिंपली क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी हम यहाँ पर डिजाइन अगर क्रिएट करना चाहते हैं, मान लीजिए हैप्पी न्यू ईयर मैं करता हूँ, मान लीजिए मैंने हैप्पी न्यू ईयर यहाँ पर टाइप किया और यहाँ पर सिंपली मैं इसको जनरेट करता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर देखते हैं क्या डिजाइन हमारे हमें मिलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें कुछ डिजाइन मिलेंगे, उनका हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं इनको। अब देखते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हैप्पी न्यू ईयर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से हमारे सामने काफी कुछ ये इमेजेस आ चुकी हैं, तो हम यहाँ पर इनको यूज कर सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप इस तरीके से हमारे सामने आ जाएंगी और इनको हम यहाँ पर सिंपली कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। और दोस्तों मैं अभी आगे ये भी बताने वाला हूँ कि हमारी जो इमेजेस है उनको हम जनरेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो AI इमेजेस है उनको हम यहाँ पर किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सारी डिजाइन वगैरह देखे कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपने डिजाइन को जनरेट कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों हमारी जनरेट इमेजेस का नंबर, तो हम इमेज कैसे जनरेट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों उससे पहले हमें ऑप्शन मिल जाता है ऐड इमेज का, तो ऐड इमेज के ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से अपने फोन से, डिवाइस से या अपने माई मीडिया से आप यहाँ पर इस तरीके से अपनी जो इमेज है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अपने यहाँ से डिवाइस से एक इमेज ले लेता हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों हमने जो अपना लोगो है मैंने वो यहाँ पर सिंपली ऐड कर लिया। उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर हम कुछ लिख भी सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं साइड में हमने मैंने सिर्फ लोगो यहाँ पर ऐड किया अपनी इमेज, और यहाँ पर आपको साइड में देखने के लिए मिल जाता है कितने सारे हमारे जो डिजाइन है वो यहाँ पर सिंपली क्रिएट हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं दोस्तों इसके बारे में, यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे और यहाँ से जो भी हम लिखेंगे ना तो वो हमें यहाँ पर अपने डिजाइन के अंदर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ माई लोगो, ठीक, मैंने लिखा माई लोगो। तो यहाँ पर हम जनरेट करेंगे इसको और देखते हैं फिर क्या इसके जो डिजाइन है वो यहाँ पर हमें जनरेट होने के बाद मिलते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से हमारे पास सामने एक इमेज आ चुकी है, और देख सकते हैं इस तरीके से हमारे सामने काफी सारी इमेजेस आ चुकी हैं दोस्तों। माई लोगो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमारे सामने काफी सारे डिजाइन दोस्तों आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका सिंपली यूज कर सकते हैं कहीं भी अपनी वीडियोज वगैरह में। और दोस्तों यहाँ से हम इसका साइज, और दोस्तों हम यहाँ से इसका साइज देख सकते हैं, साइज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं स्क्वायर में मिले तो स्क्वायर हम यहाँ से साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं ये हमारे सामने अब स्क्वायर साइज में ही हमारे पास में यहाँ पर आने वाला है दोस्तों ये। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने स्क्वायर साइज यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर ये हमारे सामने स्क्वायर साइज में ही आ चुके हैं दोस्तों। काफी सारे हमारे सामने स्क्वायर साइज में हमने ये मिल चुका है, ठीक है। तो उसके बाद में मैं बता देता हूँ जनरेट इमेज के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन मिल जाता है हमें जनरेट इमेज का, तो हम यहाँ पे सिंपली क्रिएट करेंगे जनरेट इमेज, ठीक है। क्लिक किया हमने जनरेट इमेज के ऊपर, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमें मिल जाता है जनरेट एन इमेज यूजिंग अ डिस्क्रिप्शन। तो सिर्फ हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना है, जो भी जिस तरह की हमें इमेज चाहिए वो हमें यहाँ पर डालना है और यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपनी इमेज के बारे में डाल देते हैं, मान लीजिए हमारा लोगो है तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं कोई इमेज डालना चाहूँ यहाँ से उसके साथ में, तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने सिंपली यहाँ पर डाला टैग, अपने लोगो के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर सिंपली डाल दिया टैग। तो आप देखते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके से जो इमेज है वो यहाँ पर सिंपली जनरेट होकर के आ चुकी है दोस्तों। आप देख सकते हैं मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, इस तरीके से हमारे सामने इमेजेस जो है यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको और कुछ यहाँ पर अभी टाइप करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए मैन विद कैट, ठीक है। यहाँ पर हमने टाइप किया ए मैन विद कैट, तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे सामने किस तरीके की जो इमेज है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे सामने कुछ इमेजेस आ चुकी हैं ये। तो यहाँ से हमने सिंपली आप देख सकते हैं इसको मैं जूम कर देता हूँ, इसको भी देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से हमारे सामने इमेजेस आ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको अगर आपको जूम करके दिखाऊं, आप देख सकते हैं दोस्तों ये सारी AI इमेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये AI ने जनरेट की हैं, ऑटोमेटिक जनरेट हुई हैं ये,
ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और आप देख सकते दोस्तों इस तरीके से हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुकी है और साइड में भी यहाँ पे इसके डिजाइन यहाँ पर कुछ क्रिएट होके आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई कैट, ठीक है, तो देख सकते हैं आप इस तरीके से यहाँ पर मैं जनरेट किया इसको और यहाँ पर हमारे जो डिजाइन है वो यहाँ पर सिंपली जनरेट होकर के आ जाएगा इस इमेज के साथ में, ठीक है। तो आप इस इमेज को भी सिंपली यहाँ पे अपने जो डिजाइन आप क्रिएट करेंगे उसमें आप सिंपली यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर अपनी जो वीडियोज है उनके अंदर आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं या इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसी तरीके से आप अपनी जो इमेज है उनको जनरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं कुछ और भी इमेजेस यहाँ पर जनरेट करके दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए हम कुछ क्रिएट करते हैं यहाँ पर, मैंने ये टाइप किया ए कार ओनर ट्रक, तो यहाँ पर मैंने इसको जनरेट किया। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके की इमेज यहाँ पर जनरेट होकर के हमारे सामने आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सर्च किया ए कार ओनर ट्रक, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरे सामने कुछ इमेजेस आ चुकी हैं और यहाँ से हम थोड़ा जूम करके इसको देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे सामने ये इमेज आ चुकी है। मैं इसको अगर जूम करूँ तो देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल लग नहीं रहा है कि AI इमेज है, बल्कि ऐसा लग रहा है किसी फोटोग्राफर ने ये क्लिक की है कोई पिक्चर, है ना। देख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये काफी रियल इमेज लग रही है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर आप कोई भी इमेज जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है और यहाँ से सिंपली ओके कर देना है, एंटर कर देना, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी इमेज होगी वो यहाँ पर सिंपली जनरेट होकर के आ जाएगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों बात यही खत्म हो जाती तो और बात थी, अभी तो बात बाकी है और रात बाकी है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज में इस वेबसाइट के बारे में और भी हम एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे क्या इस वेबसाइट के थ्रू हम और भी चीजें कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आज के लिए हम इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।